अरे बाप रे, बॉस क्या स्मार्ट लग रहे हो। सुपरस्टार है तू तो यहाँ का। दादी नमस्ते भैया। हाँ राजा, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अच्छा, क्या बात है? मुझे आज जल्दी जाना है। हाँ। आगे 3 दिन की पोंगल की छुट्टी है। हाँ। करीब 24 चिट्ठियाँ हैं। हाँ। कुमार और मनोहर ने 8-8 चिट्ठियाँ डिलीवर करने के लिए ले ली हैं। 8 चिट्ठियाँ तुम डिलीवर करोगे? मैं और वो भी कल। कल रजनीकांत की पिक्चर रिलीज होने वाली है और ये क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। तू सोच मत राजा, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे ना, पोंगल में तेरे ही काम आएंगे। ठीक है, सुबह 9 बजे साइन करके ले लूंगा। जो भी है अभी बोल दे, सारी चिट्ठियाँ अलग अलग जगहों की हैं, बाद में डाल दूंगा। सोच के आलसी मत हो जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं भैया सच में डाल दूंगा। यहाँ से सीधे अपने काम पर ही जाना। ये भी कोई बोलने की बात है? मैं जानता हूँ मुझे कहाँ जाना है। किस्मत ही खराब है, देख के आता हूँ। सुपर लग रहा है। आहा, चिट्ठिया या बॉस की पिक्चर? चिट्ठिया या बॉस की पिक्चर? बॉस की पिक्चर ही जरूरी है। चिट्ठी तो बाद में भी डिलीवर कर दूंगा। क्या हो रहा है राजा, बॉस का चक्कर है कि बोनस का चक्कर है? अपना काम करना। जो मेरे को बोलना चाहिए वो तू बोल रहा है। तू अभी देख मेरा कमाल। अरे रो नहीं बेटी, रो नहीं। तेरा बापू नहीं आया इसलिए नींद नहीं आ रही है। हाँ? उसके बारे में तो तू जानती है ना, तेरा नाम रजनी उसने ऐसे थोड़ी रखा है। वो आज उसकी पिक्चर जरूर देखकर आएगा।
मैं ऑटो वाला ऑटो वाला हर तरह के रूट वाला ऑटो वाला यार मेरा सुपरस्टार सुपरस्टार है दुश्मनों का करे शिकार है राजा के रिश्तेदार कौन है? मैं उसकी दादी हूँ। तुम्हारा पोता अब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त वो कोमा में है और वो कब होश में आएगा पता नहीं। 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, या हो सकता है कि होश में आए ही नहीं। यही ना। शुक्रिया, जो मुझे बताना था आपने ही बता दिया। इसीलिए तो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहिए। अभी तो ऐसा बोल रहे हो, लेकिन कुछ सालों बाद सरकारी अस्पताल कितना बढ़िया है ऐसा ही कहोगे। तो 2 साल है ना, मजाक कर रही है? बापू तुम 23 साल तक कोमा में थे। हाँ? कितने साल तक? पूरे 23 सालों तक। क्या हुआ डॉक्टर? He's perfectly normal. ऐसे ही बेहोश हो गए, वापस कोमा में नहीं गए हैं, don't worry. बापू जरा सीढ़ी पर चढ़ो। मैं अकेले? मैं भी चलूंगी, पहले तुम चलो। बापू मुझसे इतने सारे सवाल पूछते हो, तुम क्या काम करते थे, तुम्हें कुछ याद है? कुछ याद नहीं है बेटी, मैंने सोचने की काफी कोशिश की, मुझे कोई छोटा सा क्लू दो ना। रुको।
ये लो बापू। ये क्या है बेटी? अब कुछ याद आया? ये क्या है? ये बादशाह फिल्म के टिकट है। ये क्या है बापू? ये वही चिट्ठियां है जो एक्सीडेंट होने से पहले डिलीवरी करनी थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से नहीं कर पाया। दादी ने ऐसा किया? अच्छा, क्या हुआ बापू, कोई बात है? नहीं रजनी, 8 चिट्ठियां 8 लोगों की जिंदगी बदल सकती थी, मैं इन्हें पहुंचा नहीं पाया, इसी का अफसोस है। कोई बात नहीं बापू, चिट्ठियां ही तो हैं। क्या चिट्ठियां ही हैं? इस छोटी सी डिबिया के अंदर 10 नंबर रखकर 10 सेकंड में किसी से भी बात कर सकती हो, लेकिन चिट्ठियों की फीलिंग अलग ही है। ऐसा क्या है चिट्ठियों में? इसमें बहुत कुछ है बेटी, तुम्हें कैसे समझाऊं? रजनी, मेरी तुम मदद करोगी क्या? ये जो 8 चिट्ठियां हैं, हाँ, हम इनके पते पर जाकर इनकी डिलीवरी कर दें। बापू, तुम बेकार में मजाक मत करो, आज के जमाने में पोस्टमैन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम अगर जाकर बोलेंगे कि चिट्ठी आई है तो लोग हमें देखकर हंसेंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा। बापू, इतने सालों के बाद तुम जाना चाहते हो? हाँ बेटी, ये सारी चिट्ठियाँ जब हम पहुँचाएंगे तो उन्हें 23 साल के बाद ये चिट्ठियाँ मिलने वाली हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग खुशी होगी। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है चलते हैं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन पर, एक एक चिट्ठी उन्हें देने के बाद जब वो इसे पढ़ेंगे तो उनके चेहरे का रिएक्शन मुझे देखना है, ये तुम्हारी जवाबदारी, ठीक है ना? ये किसी के व्यक्तिगत मामले में टांग अड़ाने जैसा नहीं होगा। बापू, तुम्हें समझ में नहीं आया ना, हमारे देश में किसी का व्यक्तिगत जैसा मामला रहा ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस संसार में आदिवासी लोगों के अलावा किसी में भी प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। इतने सालों में इतना सब कुछ बदल गया। ठीक है चलो, चिट्ठियां हम आज ही डिलीवरी करेंगे। ओहो, रात के 10:30 बज रहे हैं बापू। 10:30 बज गए। बापू जरा सा हटो तो। रजनी बेटा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारा हाथ राशि वाला है, इन सारी चिट्ठियों को देखो और बताओ कि कौन सी चिट्ठी पहले देनी चाहिए। कौन सी? ये वाली। ये वाली। श्रीमती लता राजेंद्र। तो पहले इसके घर चले। ठीक है ठीक है, अब जल्दी चलो। फास्ट फास्ट, अब देखना मेरा कमाल। बापू, अब और कितनी देर? बस 10 सेकंड। ठीक है जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। ये कैसा लगा? सुपर बापू। पोस्टमैन बापू। चलो। आ जाओ बापू। अरे इस पे चलो ना। ये क्या बापू? अरे आओ ना बेटी, संभल कर। चलो चलो।
किससे मिलना है? मैडम नमस्ते, मेरा नाम है राजा, ये मेरी बेटी रजनी है। हेलो, यहाँ मिस्टर राजेंद्रम। मेरे हस्बैंड है, बोलिए। दरअसल उनके नाम से एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी? जी हाँ। किसके यहाँ से? ऋषि। ऋषि, मजाक मत कीजिए। हाँ मैडम, अभी नहीं, 23 साल पहले। ये देखिए मैडम। मैडम मैडम आंटी, मैडम। मेरे बेटे ने आत्महत्या करने से पहले ये चिट्ठी लिखी थी। रोइए मत आंटी, रोइए मत प्लीज। मैं अपने बेटे के लिए नहीं रो रही हूँ। मैडम मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि हर हफ्ते हमें चिट्ठी लिखता था। उसे MBBS की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने ही, उनके भाई का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है तो मेरा बेटा भी वही पढ़े, ये फोर्स करके उसे मेडिकल में भर्ती करवाया। मेरे बेटे को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने कई बार मुझसे कहा कि मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। हमने उसकी बात नहीं मानी। ऊपर से उसका एक रूममेट संतोष, वो उसकी रैगिंग करता है, ये भी उसने लिखा था। हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इस बात से गुस्सा होकर हमने ही संतोष ने उसे रैगिंग करके मार डाला। ऐसे हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी। सबूत बहुत पक्के थे इसलिए संतोष को रैगिंग और मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया गया। बेचारा वो कई सालों तक जेल में रहा। तो संतोष ने कुछ नहीं किया, ये आपको पता नहीं था? सच में हमें कुछ नहीं पता था। ठीक है, आप रोइए मत आंटी, ये सब अनजाने में हो गया। ऐसी बात नहीं है, हमारे कारण एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये बात सही है कि उसकी खोई हुई जिंदगी हम लौटा नहीं सकते, लेकिन वो मुजरिम नहीं है ऐसा हम सबको बता सकते हैं। हाँ? आंटी मैं कैब बुक कर दूं? नहीं बेटी, मेरे पास कार है। तुम ड्राइविंग जानती हो? हाँ, मैं चलाना जानती हूँ। मैं चलाना जानती हूँ बाबू। ठीक है, आइए मैडम। हेलो सर। हेलो, मिस्टर संतोष। यस। मेरा नाम है राजा, ये मेरी बेटी रजनी। हेलो। ये है मिसेस लता, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप ऋषि की माँ है ना? हाँ। प्लीज कम इन। बोलिए, मुझसे मिलने क्यों आई हैं? वो चिट्ठी देना। आंटी चिट्ठी दीजिए ना। बेटा हम लोग यहाँ पर तुमसे माफी मांगने ही आए हैं। एक्सक्यूज मी माँ जी, आप रोइए नहीं। दरअसल ऋषि की रैगिंग और उसे टॉर्चर करके तुमने ही उसे मार डाला, ऐसे हमने कंप्लेन की थी। उससे तुम्हारा भविष्य खराब हो गया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है बेटा। दरअसल माफी इन्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि उस दिन इस चिट्ठी को सही समय पर पहुंचाने में मुझसे गलती हो गई। वो क्या है कि उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं 23 साल तक कोमा में रहा। कॉफी या चाय? मेरे लिए टी। मैं कॉफी पीऊंगी। ठीक है, सबके लिए कॉफी लाता हूं। थैंक्स। हाल फिलहाल में चेन्नई के कोडम्बाक्कम में, वेस्ट मामलम में, सैदापेर में और अशोक नगर के आसपास जो अपार्टमेंट्स हैं, उनमें जिन जिन चौकीदारों का खून हुआ है उनका खून ही एक साइको किलर है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। उसका नाम संतोष है। कई साल पहले एक मेडिकल कॉलेज में ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और इसने अपने एक क्लासमेट ऋषि को मार डाला था
और उसके लिए ये जेल में 8 साल सजा काट चुका है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। अभी तक ये साइको किलर 7 खून कर चुका है, लेकिन मयूरा अपार्टमेंट में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसमें इसकी पहचान हो चुकी है, ऐसा पता चला है। न्यूज पर भरोसा मत करना, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। मिस्टर संतोष, इफ यू डोंट माइंड, क्या आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? सर, इस नंबर से इमरजेंसी कॉल आ रहा है, लेकिन अटेंड करने पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ऑप्शन में रख के बाईपास करके चेक करो। ओके सर। आप क्यों सिक्योरिटी वालों को चुनकर ही उनका खून करते हैं? सिक्योरिटी वालों का खून मैंने प्लान करके नहीं किया था। दरअसल मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए रोजाना रात को घूमने के लिए निकलता हूँ। तब एक सिक्योरिटी वाले से मैंने माचिस मांगी। वो उस समय ऋषि के सुसाइड केस को फॉलो कर रहा था। जब उसे पता चला कि मैं कौन हूँ, तो मुझे अजीब तरह से देख रहा था। जो खून मैंने नहीं किया, उसके लिए मैं जेल में सजा काट कर आया। बाहर आकर देखा तो मेरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। मैं तुम लोगों का खून कर दूंगा, इस बात का डर लग रहा है? लेकिन मैं तुम में से किसी का भी खून नहीं करूंगा, क्योंकि तुम में से किसी ने भी कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। तो हमें बांध कर क्यों रखा हुआ है? एक खूनी कैसे खून करता है, ये देखने के लिए। किसी को चाकू भौंक के कैसे भी मार सकते हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। इसे आराम से, यहां हल्के से, धीरे धीरे इस जगह पे। ए, चल नीचे डाल दो, नीचे डाल, चल। ए, चल। क्या हुआ बापू, बिना लेटर दिए सिर्फ एक फोन कॉल से पुलिस कैसे पहुंची, यही सोच रहे हो? ये बात नहीं है बेटी, कई सालों तक मैं सोता रहा, बस इसी बात का अफसोस है। छोड़ो ना बापू, सोच रहा हूँ कि ये चिट्ठियाँ देने वाला काम अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों बापू? दरअसल सोचा था 23 सालों के बाद चिट्ठी दूंगा, तो सोचा था कि अच्छा होगा, मगर अब नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। अच्छा तो ऐसे सोच कर देखो, अगर हम लेटर देने नहीं गए होते तो उसने एक और चौकीदार को मार दिया होता ना। सही समय पर पहुंचे, इसीलिए किसी की जान हमने बचा दी। ये तो अच्छी बात है ना बापू, प्लीज एक बार फिर से सोच कर देखो ना। रजनी। क्या हुआ इन्हें, जल्दी लेकर आओ। संभाल कर, संभाल कर, कुछ नहीं मैम, सब उतरिए उतरिए, आराम से आराम से। डॉक्टर, अरे डॉक्टर जरा यहाँ आइए। कुछ नहीं मैम, सब सब ठीक हो जाएगा, आराम से चलिए, आराम से, देख कर देख कर, संभाल कर, आराम से आराम से। बहुत शुक्रिया भैया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं सब ठीक तो हो जाएंगी ना? चिंता मत कीजिए,
इनके साथ कोई और नहीं आया? नहीं, इनके साथ बस मैं ही आई हूँ। सुनो, रुक जाओ। शैली को क्या हुआ? Is everything all right? Everything is all right. शैली भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। लड़की है या लड़का है? ठीक है, मैं अंदर जाकर दे। तुम एक कभी अच्छे पति नहीं थे और ना ही तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग शैली एंड योर बेबी। जाना जरूरी है। चलो चलो अंदर चलते हैं। बेटी, ये गेट मुझे हॉरर फिल्म हवेली के जैसा लग रहा है। बेटी, हवेली फिल्म का? हाँ बेटी, पुरानी फिल्म है, बहुत डरावनी है, तुम जानती नहीं हो। बाप रे, ये भी उसी फिल्म के वॉचमैन की तरह लग रहा है। कुछ तो बोलो बाबू। किसे मिलना है? डॉक्टर आइसैक से। हाँ हाँ बोलिए, वो हमारे साहब है, क्या बात है? उन्हें एक चिट्ठी देनी है। क्या हुआ, कौन है? कुछ नहीं, डॉक्टर साहब से ये लोग मिलने आए हैं। ठीक है, अंदर भेजो, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बताइए, आप कौन हैं? उनसे आप क्यों मिलना चाहते हैं? आइसैक साहब से मिलकर उन्हें एक चिट्ठी देनी है। चिट्ठी? हाँ। कैसी चिट्ठी? आज से 23 साल पहले। एक मिनट, ये चिट्ठी 23 साल पहले आई थी। तो इतने सालों के बाद लेकर क्यों आए हो? क्या हुआ, कोमा में थे क्या? सर, ज्योतिषी की तरह बता रहे हो, सही कहा, मैं कोमा में ही था। मेरी हाथ की रेखाएं देखकर बताइए ना मेरा भविष्य कैसा। बाबू, बात क्या है, ये चिट्ठी देनी है, बस इतना ही ना? जी हाँ। लाओ, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, क्या हम उनसे मिलकर ये दे सकते हैं? बाबू, तुमने ये देखा? ये तो बहुत ही अलग पेंटिंग है। नहीं, ये बकरी की अंतड़ियां हैं। क्या? बापू, स्टडी के लिए रखा होगा। बाप रे, बहुत डर लग रहा है। रिजर्व करके रखा है। प्रेम दैट इज नॉट इंटरप्रेटेड इज लाइक अ लेटर दैट डज नॉट रेड। थैंक्स श्याम, बैठिए। हाय। आपको जो सर से बात करनी है कीजिए, मैं चलता हूँ। गिव मी द मैजिकल पीस ऑफ पेपर। सर नमस्ते। हेलो। बापू, वो चिट्ठी मांग रहे हैं। ओह, आई एम वेरी सॉरी सर, आपकी चिट्ठी ये लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी, यूजलेस लेटर, वो लोग पूरा नाम भी लिखना नहीं जानते, सिर्फ आइसक लिख कर छोड़ दिया। मैनरलेस फेलोज। सर, आपका पूरा नाम क्या है? न्यूटन। आई एम सर आइजैक न्यूटन। बहुत अच्छा नाम है सर। तुम्हारा नाम? मेरा नाम है राजा। तो इनका नाम क्या है? मंत्री। वो कहाँ गया? सर, सर। हाँ बोलो, आपने अपनी बच्ची की शादी कब की रखी? बापू, सर हम लोग चिट्ठी देने आए थे। ओह करेक्ट, दरअसल मुझे भूलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उम्र हो गई है ना। हमें पता नहीं था। लाओ दो। अभी अभी दी ना सर? अभी अभी। हाँ सर, आपने भी इंश्योरेंस कंपनी यूजलेस लेटर, आपका पूरा नाम नहीं लिखा इसलिए फाड़ कर फेंक दी। पूरा नाम नहीं लिखा था, क्या नाम था? वो न्यूटन हाईजैक। हाईजैक? सॉरी सर, आइसैक। आइसैक न्यूटन। आई थिंक बोथ ऑफ यू वेरी कंफ्यूज्ड। इसी तरह से विंग्स ऑफ फायर जब मैं लिख रहा था, एक कंफ्यूज असिस्टेंट मेरे साथ रहता था, और वो साथ रहकर क्या क्या करता था पता है? What? डॉक्टर एपीजे अब्दुल। Yes,
आई एम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विंग्स ऑफ फायर, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ती क्या? ये चंद्रमुखी है। ये क्या बोल रही है बेटी? हाँ सर, ये तो सर अपनी दवाई ले लीजिए। एक्सक्यूज मी, समझ गया आप मना क्यों कर रहे थे। अच्छे से बात हो गई ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से बापू। अब डॉक्टर को क्या हुआ है? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसके बाद मिसेस आइज़ैक कभी वापस नहीं आई? नहीं, जहां तक मैं जानता हूं नहीं आई। इनका एक्सीडेंट हुआ ये भी उन्हें पता नहीं। फिर उसके बाद उसे डिप्रेशन में ये सब हो गया। दरअसल ये ज्यादा आत्मकथा पढ़ने से हुआ है। एक पॉइंट के बाद अचानक दूसरे कैरेक्टर में बदल जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों रात के 10 बजते ही वो अपने लैब में जाकर अकेले रिसर्च करते रहते हैं। आप उनके? मैं उनके रिसर्च के बारे में जानकारी जुटाकर किताब लिख रहा हूं। और फिर इस उम्र में, इस हालत में उन्हें अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, बस इसी वजह से। इस जमाने में ओबेस छोटी सी उम्र में ऐसी हालत में जो इंसान है उसकी मदद कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। थैंक्स। देख लिया ना बापू? हाँ बेटी। इस इंसान को ये भी नहीं पता कि उसकी पत्नी को लड़का हुआ या लड़की, बस इसी दुख में जी रहा है। लेकिन मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए ना। बापू तुम इस तरह से क्यों चौंक रहे हो? दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या बताया उसने? कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कचरे में डाल के चले गए थे ये बताया? नहीं बापू। कहीं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खो तो नहीं दिया? चलो बेटी गाड़ी निकालो। सर जी नमस्ते। बेटी आ जाओ। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? साइको वाली प्रॉब्लम है या नहीं ये बात तो चिट्ठी देने के बाद ही पता चलेगी। व्हाट बाबू? सॉरी सर, मेरा नाम है राजा, ये मेरी बेटी रजनी है। मैं एक पोस्टमैन हूँ और आपके लिए आज से 23 साल पहले ये चिट्ठी आई थी। 23 साल पहले? डॉक्टर, किसी का लव लेटर है? हाँ लव लेटर ही है, लेकिन वो जमाना कुछ और था। रीयूनियन के बारे में। मैं कुछ समझी नहीं। कॉन्वोकेशन के टाइम पर अनीता की शादी नहीं हुई थी। तो उनका नाम अनीता है? हाँ, हमारा मेडिकल कॉलेज का रीयूनियन था। फाइनल ईयर के टाइम पर अनीता ने ये चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मुझे बहुत देर से मिली। सॉरी डॉक्टर, मेरी वजह से। नो प्रॉब्लम। कॉलेज में जो लव स्टोरीज होती हैं ना, ये बस वैसी ही है, नॉट अ बिग डील। इस रीयूनियन में मैं उसे जाकर मिलता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता। डॉक्टर, आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं। आपकी बातों से तो लगता है कि ये नो बिग डील वाला मामला नहीं है। डॉक्टर, इस रीयूनियन में उसे मिलेंगे तो अच्छा होगा क्या? क्यों डॉक्टर, आपको क्या लगता है वो नहीं आएगी? वो जरूर आएगी। द टाइम कैप्सूल इवेंट प्लान उसी का था, प्रॉब्लम वो नहीं है। इस चिट्ठी में जब पढ़ा कि अनीता मुझसे प्यार करती है तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन क्या वो आज भी मुझसे प्यार करती है सोचना बेकार है। तो फिर आप वेट करेंगे? मे बी। डॉक्टर, उनसे मिलने का आपका मन नहीं करता? एक छोटी सी उम्मीद की किरण। नो सॉरी, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड। आप जाकर देखकर आ जाइए डॉक्टर, हम यहाँ वेट करते हैं। अंदर उनको आना है, आप लोग। चलो बेटे चलते हैं। डॉक्टर, हाँ? आपका अगर मन बदले और अकेले जाने का मन ना करे तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं और मेरे फादर जरूर आपके साथ चलेंगे। चलता हूँ। हाँ, ओके।
डॉक्टर। हाँ। अभी 3 घंटे और गाड़ी चलानी होगी। हाँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके प्यार के बारे में कुछ बताएंगे। जब मैं इस कार में बैठा तभी मुझे लग गया था कि तुम ऐसा ही सवाल पूछोगी, लेकिन काफी देर से पूछा। अब इसका मतलब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। क्या हुआ डॉक्टर, इस तरह से शर्मा क्यों गए? अरे छोड़ो ना, ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी है? वाओ। Exactly. उसके बाद? तू मुझे फॉलो कर रही हो? What? क्योंकि सारी लड़कियां चली गई हैं और लड़के भी चले गए हैं, सिर्फ तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो। क्यों मुझे फॉलो कर रही हो? तुम फर्स्ट ईयर में हो ना, ये क्या मुझे सीनियर की तरह आकर डरा रहे हो? रॉब झाड़ रहे हो क्या? इधर इधर देख, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, मैं तुझे फॉलो नहीं कर रही हूँ। तू खुद मेरे आगे आगे चल रहा है। चलो मान लेते कि मैं लड़कों का पीछा करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तेरा ही पीछा करती हूँ, ऐसा तुझे क्यों लगा? क्यों, तेरा वो फ्रेंड रवि भी तेरे साथ चल रहा था ना, मैं उसे भी तो फॉलो कर सकती थी ना? कोई चांस ही नहीं है। ये तू कैसे बोल सकता है? सेपियोसेक्सुअल अट्रैक्शन क्या होता है पता है? तेरे ऊपर मेरा अट्रैक्शन और मेरे ऊपर तेरा अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन कभी रवि के ऊपर नहीं हो सकता। डिक्शनरी में जाकर देख लो। अच्छा, तेरी आंखों में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, क्यों पूछ रही हो? थिएटर में पलक झपके बिना फिल्म देख रहा था ना? हाँ? दिमाग पे जोर मत डाल। बाय। अनीता। हम्म? क्या तुमसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, सिर्फ एक ही सवाल पूछना। अच्छा बता, तेरा फ्यूचर प्लान क्या है? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वाओ, पर मैंने वो नहीं पूछा। सवाल क्या है ये तुम भी जानती हो। यू नो व्हाट, फॉर स्ट्रेंजर तेरे से मैं बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ। चलती हूँ, बाय। मतलब तुमने उसे प्रपोज किया? कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? चंद्रू, मुझे बुलाया? नहीं, बस ऐसे ही नाम लेकर देखा। जा। ये, रुक 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 रुक। हाँ बोलो। अरे बोलो। डिक्शनरी में मैंने देखा। क्या लिखा है उसमें? Getting attracted towards चंद्रू, ऐसा लिखा है? You are attracted to Anita, ऐसा लिखा है। विलन की एंट्री हो गई। क्या विलन? बॉस की आने वाली अगली फिल्म है। नहीं पापा, ये अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं। आप बताइए ना, क्या हुआ अनीता? आजकल तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बताओगी तो ही जानूंगा ना। चंद्रू, हम अलग हो जाते हैं। What? हाँ चंद्रू, मैं ये हमारे भलाई के लिए बोल रही हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? कौन सी भलाई के लिए? अगर तू सच में हमारे रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करता है तो प्लीज तू अब मुझसे कोई सवाल मत पूछना। बाय। अनीता, प्लीज डोंट एम्बैरस मी। अनीता, एनी प्रॉब्लम? ए, तू बीच में क्यों आ रहा है? अचानक से इस तरह से ब्रेकअप? हाँ, अचानक उसे क्या हुआ पता नहीं। अब मैं बॉक्स खोल रही हूँ।
मैं और चंद्रू 5 सालों तक रिलेशनशिप में थे। ये बात यहाँ कितने लोग जानते हैं मैं नहीं जानती। सब कुछ ठीक चल रहा था। इतना ही नहीं, मैंने और चंद्रू ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन उसी दौरान मुझे ये पता चला कि मुझे पार्किंसंस की बीमारी है। सो हमारा कुछ नहीं होगा और कुछ कारण बताकर मैं और चंद्रू दोनों अलग हो गए। कॉन्वोकेशन के दिन भी मैं अपने कजिन के साथ आई थी। उसने मुझे देखा। शायद मैं अपने पति के साथ आई हूँ ये देखकर मुझसे मिले बिना ही वो चला गया। उसके बाद जब मैंने सेकंड ओपिनियन लिया तो एक स्ट्रेस से रिलेटेड कोई ब्रेन की बीमारी है मुझे ऐसा पता चला। लेकिन उसके बाद मैंने रवि से चंद्रू के बारे में पूछा। उसने कहा चंद्रू कहाँ है कुछ पता नहीं। उसने कहा कि चंद्रू की शादी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। मगर अगर शादी हो गई हो तो ऐसे ही टाइम कैप्सूल का इवेंट ऑर्गेनाइज करके चंद्रू को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। उससे मिलकर सच्चाई बताकर मैं माफी मांगना चाहती थी सर, और उससे मैंने उस इवेंट का लेटर पोस्ट किया था। अगर उस दिन वो आ गया होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन वो उस दिन नहीं आया। और उसके बाद मैंने बद्री से उसके बारे में पूछा, प्लीज। तो उसने बताया कि वो शादी करके दिल्ली में सेटल हो गया है। पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था। डॉक्टर प्लीज ये मौका मिस मत करो, जाओ अपनी अनीता को बाहों में भर लो। मैंने क्या लिखा है ये शायद पढ़कर बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लिखा है कि मेरा चंद्रू इस समय यही मेरे पास ही खड़ा है, लेकिन वो नहीं है। आज भी मन में एक उम्मीद की किरण है कि कहीं ना कहीं से मेरे मन की आवाज सुनकर मेरा चंद्रू हाँ मेरे पास आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन गुड लक चंद्रू। तुझसे एक छोटा सा सवाल पूछूं? सिर्फ एक ही सवाल पूछना। तुझसे कोई और प्यार करता है क्या? करता होगा तो क्या करेगा तू? मार दूंगा उसे। ये हुई ना बात। गुड मॉर्निंग। आज हमारे कार्यक्रम में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव समीर। नमस्ते समीर जी। नमस्ते। 30 साल से आप प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं, तमिलनाडु पुलिस की ओर से बहुत सारे इनाम भी पाए हैं। अब रिटायरमेंट के लाइफ में आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफी थकावट फील कर रहा है। हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है कि आज तक आपने जितने भी केसेस लिए हैं सब में सक्सेस हुए हैं। ये कैसे हो पाया? आपके सोर्स ने आपको गलत बताया है, क्योंकि किसी भी केस का रिजल्ट उसके काम करने के तरीके या उसके अंत पर नहीं जाना जाता है, क्योंकि अंत तक पहुंचने के लिए बीच में छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं। ऐसा कोई केस बता सकते हैं जिसमें आपके साथ ऐसा हुआ हो? हाँ क्यों नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो किसी ऐसे केस के बारे में बताइए ना जिसमें आपने बहुत तकलीफ उठाई हो। एटलीस्ट क्राइम क्या था ये तो बता दीजिए। नहीं नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्राइम है या नेचुरल डेथ है हम बोल नहीं सकते। और ऐसा क्यों सर?
इट्स पर्सनल एंड मैं उस बारे में ज्यादा सोच भी नहीं सकता। दिमाग गवाही नहीं देता या दिल नहीं चाहता। मैं कुछ समझी नहीं सर। क्योंकि मरने वाला मेरा बेटा था। ओह सॉरी सर। इट्स ओके, इंटरव्यू यहीं पे खत्म करें। श्योर सर, आपने हमारे लिए जो वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बापू वो चिट्ठी कहाँ रखी है? चिट्ठी बेटा वहीं टेबल पर होगी। सर नमस्ते। यस समीर मैं ही हूँ, बोलिए। मेरा नाम है राजा, ये मेरी बेटी है रजनी। हेलो। हेलो। मैं एक पोस्टमैन हूँ, आपके नाम की एक चिट्ठी है। आप 23 साल तक कोमा में थे? 23 साल में 2 हफ्ते कम। स्ट्रेंजर अफेक्शन सर। हाँ दीजिए वो चिट्ठी। पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है सर। एक मिनट रुकिए। हे भगवान, इसमें ऐसा कुछ भी ना लिखा हो जिससे इन्हें गुस्सा आए। या अल्लाह, ए यीशु, तुम तीनों मिलकर मेरी रक्षा करना। हाँ ये लीजिए। डैडी आई मिस यू। डैडी मुझसे मिलने आप कब आ रहे हैं? मम्मी भी मुझसे मिलने नहीं आती, बस फोन पर ही बात करती है, लेकिन आप तो फोन भी नहीं करते। डैडी आप दोनों को मुझे एक बात बतानी है। डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है। डैडी विश्वा मामा मुझे रोज खुद नहलाते हैं, मैं खुद नहाता हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनते। आप उनसे कह दीजिए डैडी कि मैं खुद नहा लूंगा। वो मुझे उनके साथ ही अपने कमरे में सुलाते हैं। बिना कपड़ों के सोने से मुझे बहुत ठंड लगती है। डैडी आप उनसे कहेंगे ना? डैडी प्लीज डैडी उनसे ये भी कह दीजिए कि मुझे टैबलेट्स नहीं चाहिए। क्यों बेटा, कुछ खाएगा क्या? भूख लगी है? पापा को चिट्ठी लिखी है। ठीक है मैं पहुंचा दूंगी। मुझे यहाँ से ले जाइए डैडी, आप और मम्मी एक साथ रहिए। डैडी प्लीज डैडी। सर तेईस साल के बाद ये चिट्ठी दे रहा, अब तक क्या झक मार रहा था? सर मैं खुद 23 साल तक कोमा में था। I'm very sorry, Mr. Raja. आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं सर? गलती तो मेरी ही है। ये कितना घिनौना और जानवरों की तरह है। अगर परिवार वाले ही ऐसा करेंगे तो कौन भरोसा करेगा सर? सर अब आप क्या करेंगे सर? तुम दोनों यहीं पे रुको। ठीक है, ठीक है सर, मैं अंदर जाता हूँ। ओके। बापू। हाँ। सर लैपटॉप निकालना। हाँ समीर कैसा है? आई एम गुड डॉक्टर। क्या हुआ, चेहरे पर पसीना क्यों है? एनी प्रॉब्लम? जो तुझे होना चाहिए था वो मेरे साथ हुआ ना। व्हाट? विश्वा 10 साल का बच्चा, नाम राहुल, कुछ याद आया? समीर यहाँ पर 10 साल की दिन में 3-4 बच्चे राहुल नाम के आते हैं। ठीक है तुम्हें ऐसे पूछता हूँ, मेरा बेटा तो याद है ना? ऑफ कोर्स, अपने राहुल को कैसे भूल सकता हूँ? सच अ क्यूट एंड बहुत ही समझदार। क्यूट और समझदार,
तूने मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया तेरी हर बात मैं जानता हूँ। बात करना, अबे साले मुंह तो खोल। देखो समीर, तुम मुझे बिना सबूत के गुनहगार नहीं ठहरा सकते। और तुम्हें लगता है कि मैं पीडोफाइल हूँ? मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मैं पीडोफाइल कैसे हो सकता हूँ? थैंक्स विश्वा, यू जस्ट गिव इट अप। मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, तूने तो अपना जुर्म ही कबूल कर लिया। समीर लिसन। साले ऐसी कौन सी खुजली थी तुझे? ए, बस करना, सिर्फ बोलता ही चला जा रहा है। दुनिया में कोई भी शरीफ नहीं है, हर किसी में इविल थॉट्स होते हैं। मुझमें भी आएगा, क्यों तुझमें भी आ सकता है कि नहीं? अगर तेरा बेटा जिंदा होता तो उसमें भी आ जाता, और उसे पूरा करने की ताकत यहाँ किसी में भी नहीं है, क्योंकि सब डरपोक हैं। हर इंसान अपनी इच्छा पूरी करने से डरता है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं अपनी इच्छाओं को अपनी तरह से पूरा करता हूं, एंड इट्स वन लाइफ, मैं उसे जीना चाहता हूं। मैं ऐसे ही मर जाऊं क्या? साले, तो जानवरों की तरह तूने हरकत की, ऊपर से जस्टिफाई कर रहा है। हर इंसान में मैं मानता हूं कि हर तरह के थॉट आते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है उसका चयन करना पड़ता है। तू अभी चाहता क्या है? तेरा बेटा मर गया, तू अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकता। छोड़ बेटी। बाबू प्लीज। अरे सारे जानवर कुत्ते का ही के। बाबू रुकिए। तूने कर जानवरों जैसा गंदा काम किया है, ऊपर से सबूत मांग रहा है। जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। बाबू रुक जाइए ना बाबू। मैं तेरे ही पॉइंट पे आता हूँ। अच्छी जिंदगी जीने के लिए जिसे चाहेगा उसे तू मार देगा। जब तेरे जैसा कोई मरेगा तो बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। तू आज ऐसे ही मरेगा। बटन कैमरा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारे मीडिया में लाइव टेलीकास्ट हो चुका है। लोग 10 मिनट में आके तुझे नंगा दौड़ाएंगे। तुम्हारे लिए बस एक ही ऑप्शन है, खुद मर जाओ। कहा था ना राजा कि उसे मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद मर जाएगा। एनीवे सर, थैंक यू। ओके सर, टेक केयर। यहाँ पे पंक्चर की दुकान कहाँ पर है? पास में ही है बापू। रजनी, मैं तुमसे एक बात कहूँ? बापू, ऐसी कौन सी नई बात है? नई बात बोलो ना। कुछ नहीं, जब मैं कोमा में था तो मेरी देखभाल क्यों की? बापू ये क्या बोल रहे हो, चलो घर चलते हैं। अब कैसे कहो ये जानते हुए भी कि तू हमारी बेटी नहीं है? क्योंकि तुम मेरे बापू हो, बस इतना ही। दादी मुझे घर लेकर आई थी और तुमने अपनी बेटी की तरह मुझे पाला। अगर नहीं अपनाया होता तो छोड़ो बापू, मुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। 4 बार बादशाह फिल्म देखी थी ना, बॉस ने क्या कहा है? भले लोगों की ईश्वर परीक्षा लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। अब चलो। यही है। खटखटाओ, खटखटाओ ना। सर, चलो चलते हैं। मिस्टर जॉन। यस, आप लोग? मैं बापू। ओह, मेरा नाम है राजा और ये मेरी बेटी है रजनी। हेलो। मैं एक पोस्टमैन हूँ, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। चाय बहुत अच्छी थी सर। मेरा है 23 सालों बाद, माय गॉड। वो चिट्ठी
आराम से खोलिए, 23 साल हो गए ना। ठीक है। अरे बाप रे, क्या हुआ सर? अगर पहले मिल गया होता तो शायद कुछ कर पाता, लेकिन क्या हुआ बेटी? क्या लिखा है बताओ ना। I'm sorry sir। मैं तुमसे तो इनके पिताजी ने मरने से पहले ये चिट्ठी लिखी थी। अरे बाप रे। कि एक बार मिलना चाहता हूँ, सच्चाई बतानी है। सर, वहाँ चल के देखते हैं, शायद वो वही हो। वो क्या अभी भी जिंदा होंगे? वो तो कब के मर गए होंगे। आप ये क्या बोल रहे हैं? तो फिर और क्या बोलूं मैं? जिंदगी भर झूठ ही तो बोला, आखिर में क्या बोलते? सर, मैंने मौत को देखा है, मैं कह रहा हूँ ना, मौत को सामने से देखने वाला इंसान सच बोलता है। मिस्टर, आपका नाम क्या है? राजा। मिस्टर राजा, क्या करना है मैं जानता हूँ, आपका काम हो गया ना, जाइए। सर, आप जाएं या ना जाएं, हम लोग जरूर जाएंगे। चलो बापू, चलते हैं। कुछ भी हो उनका बेटा, अब ये यहाँ। ए, ए, हंसते नहीं। आपको किससे मिलना है? सर, I am John रोहित। अमृतराज सन, आप अंदर बैठ के बात करते हैं। चलिए, मैं भी आता हूँ। ओके, थैंक यू सर। 25 years। अच्छा, ये बताइए, 25 सालों से आप भी यहीं पे हैं? चलो ना बापू। नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। थैंक यू सर। बापू, बेकार में क्या तुम इससे? सर, ये सब ड्रामा क्या है? पिताजी का लिखा लेटर आज मुझे मिला है, हालांकि मुझे इन पर भरोसा नहीं है। इन्होंने चिट्ठी दी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? अपने पिता पे इतना गुस्सा क्यों? और नहीं तो क्या, मैं 5 साल का था जब देखो मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले जाते थे। अकेले ही रहना था तो शादी क्यों की, बच्चा क्यों पैदा किया, बैचलर ही रह जाते। जिंदगी भर हमारी देखभाल नहीं की और मरने से पहले फॉर्मेलिटी के नाम पर एक सच्चाई बतानी है कहकर चिट्ठी लिखी। जॉन, क्या हुआ? तुम्हारी सोच को देखकर समझ में नहीं आता अफसोस करूं या गुस्सा करूं। मेरी सोच? एक दिन शाम के करीब 6 बजे होंगे, तुम्हारे पिताजी मिस्टर अमृत राज आए। बहुत सारे पैसे दिए और यहीं एडमिट करने के लिए कहा। क्या बात है, मैंने पूछा तो कहा कि मैं अपना आखिरी समय इसी जगह पे रह के बिताना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। सर, कम इन। सर, मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो रवि। कुछ नहीं सर, आप खुद यहाँ आए, बहुत सारे पैसे दिए, यहीं एडमिट होके आप रहने लगे, सबसे प्यार से बात करते हैं। मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में जरूर कोई दुख होगा, वो आपका पर्सनल है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन क्या करूँ, फंड्स बहुत ज्यादा है, कमेटी में सब पूछ रहे हैं, इसीलिए बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। ना बताने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहानी बहुत ही दुख भरी है, आप सुनना चाहेंगे? हर किसी के जिंदगी में दुख सुख तो आता ही है ना, आप बताइए, मैं सुनता हूँ। तो यहाँ पर क्यों बैठी है? खाना खा लिया? वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात? अच्छा, पहले तुम बताओ। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ। कुछ भी हो, हम दोनों जो भी बात बताएंगे उसमें मैं जो बताऊंगी
वो सबसे जरूरी बात है। ये भला तुम कैसे जानती हो? मैं माँ बनने वाली हूँ, इससे बड़ी और क्या बात होगी। दूसरा कोई चारा नहीं है, जाना ही पड़ेगा। एक साल में अपने ट्रांसफर करवा लूंगा और किसी अच्छे शहर चलेंगे। ठीक है, मैं बच्चे को संभाल लूंगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम अब मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे हो, हम दोनों के लिए काम कर रहे हो। We love you। ठीक है, बच्चे को संभाल, मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद 7-8 महीनों तक काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास से मेरे लिए चिट्ठी आती ही रहती थी। लाइफ वॉज गुड। मैं ट्रांसफर मांगने के लिए हेड ऑफिस गया हुआ था, वहां मुझे प्रमोशन देकर रोक लिया गया था। मैं समझ गया कि मुझे एक साल और यहां पर रहना पड़ेगा, इसलिए सोचा कि मैं अभी से जाकर इंप्रेस करूंगा तो ठीक ही रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा? जैसे ही मैंने उससे कहा कि मैं एक साल तक नहीं आ पाऊंगा, दुख और सुख से भी ज्यादा एक अजीब सा, पता नहीं कि उसे क्या खुशी मिली और बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ बोलो राज। बात सुनके गुस्सा तो नहीं होगी ना? अब बताओ ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे प्रमोशन मिल गया है, इसलिए उसी ब्रांच में एक साल और एक्सटेंशन दिया है। तो ये तो अच्छी बात है ना? वैसे भी मैं अपने बच्चे के साथ और तुम्हारे साथ एक साल ही तो रहा हूं। ये बात भी तुम्हारी सही है, ना मेरे लिए ना बच्चे के लिए, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है देखा जाए तो। सर, कंपनी में कुछ लोग बीमार पड़ गए, जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करता था वहां मुझे ये कुष्ठ रोग हो गया। उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चे को देख नहीं पाया, यहां तक कि चिट्ठी भी नहीं भेज पाया। मेरा किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर है बोलकर मुझे उसने डिवोर्स भेजा और किसी और से शादी कर ली। ये क्या बोल रहे हैं सर? और जब मुझे इस बात का पता चला, मेरी समझ में नहीं है कि मैं क्या करूं। मैंने उसे जाकर ढूंढा, लेकिन उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, उसी वक्त फैक्ट्री में काम करने वालों को जो नुकसान हुआ उसका कॉम्पेंसेशन दिया गया, वो लेकर मैं यहाँ। सर, आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्से से भी ज्यादा मेरे दिल में नफरत बढ़ गई। सर, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो जॉन। पिताजी की मौत कैसे हुई? अल्जाइमर्स। तुम्हारे पिताजी का दिमाग बच्चों जैसा हो गया था। आखिरी समय में मुझे भुलाकर तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए कहा। माफ कीजिएगा सर, आज तक आप अपने पिताजी को मेरी वजह से गलत मान रहे थे। ये चिट्ठी मैं। इट्स ओके राजा, अगर आज भी तुमने मुझे ये चिट्ठी ना दी होती तो गलती होती। एक्चुअली थैंक्स। मान जाओ ना बापू। सर, मैं एक सच्चाई बताऊं? हाँ बताओ। मुझे मेरे पिताजी पर जो गुस्सा था, जो नफरत थी, उसी की वजह से मैं आज इतना सक्सेसफुल बना और शायद इसी कारण अच्छी नौकरी मिली। यानी वो तुम्हारे साथ रहते तो अच्छे से पालन पोषण नहीं करते, ये कह रहे हो? अब इस बारे में मैं क्या बताऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। पिताजी की सच्चाई सुनकर दुखी हो जाऊं या माँ ने झूठ बोला इस बात पर गुस्सा हो जाऊं,
या अनजाने में रहा इस बात से शर्मिंदा हो जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जॉन, वन मोर थिंग, ये भी तुम्हें देने के लिए कहा था। उन्हें जो कंपनसेशन मिला था उन पैसों से तुम्हारे नाम पे जमीन ली थी। ये मुझे नहीं चाहिए, इस ओल्ड एज होम के लिए डोनेशन मानकर रख लीजिए। तुम्हारे पिताजी ने उन पैसों में से 30% इस जमीन के ऊपर निवेश किया है, बाकी का सारा पैसा ओल्ड एज होम को दिया है। हमारे लिए वो काफी है, ये तुम्हें मिलने वाला गिफ्ट है। अच्छा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और पूछना चाहता था तुम दोनों कौन हो? अब वो दरअसल मेरा नाम है राजा, ये मेरी बेटी है रजनी। नमस्ते। मैं एक पोस्टमैन हूँ। वाह, अब लग रहा है पुराने मद्रास की तरह। मद्रास भी तो पुराना ही है ना। ओ, तुम समझ नहीं पा रही हो। नमस्ते भैया। नमस्ते। यहाँ विक्के नाम का, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। घर का नंबर गलत तो नहीं? नया नंबर है, यही घर, यही घर, घर यही है सर। उनके लिए एक लेटर आया है। कैसा लेटर? इनलैंड लेटर। क्या मजाक है, इनलैंड लेटर, वो भी इस जमाने में? नहीं सर, विकी के नाम पर एक लेटर आया हुआ है, वही देने के लिए हम आए हैं। वो कौन है? मैं इनकी बेटी हूँ। मयूर भैया, उन दोनों को अंदर भेजो। हाँ ठीक है मैडम, भेजता हूँ। आइए। अब जब मैं छोटी थी तब देखा था। मुझे ना, हाँ, इस एरिया में चिट्ठियां मैं ही डालता था रजनीकांत की तरह, पोस्ट। तब शायद तुम घाघरा चोली पहनती थी, है? मैंने चिट्ठी के बारे में कहा। ये सब जरूरी है क्या? किसके नाम से है? विक्की का नाम लिखा है। किसने भेजी है? मुझे लगा था 8 जनवरी 1995। अब मेरे भैया, आधे राइटर आधे साधु। हेलो। ये तुम्हारी चिट्ठी है। सर, इसमें क्या लिखा है? जोर से पढ़कर सुनाऊं? डियर विकी, मैं इस समय कोयम्बतूर में हूँ। मुझे घर में कैद करके रखा है। अगर मैंने दूसरी शादी नहीं की तो हमारी बच्ची को मार देंगे, ऐसा कह रहे हैं। बच्ची को देखे हुए मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया है। मुझे डर लग रहा है विकी, लगता है मैं जैसे पागल हो जाऊंगी। तुम जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। विथ लव, नेहा। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूं? मैं एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वो तुम्हारी बात पर निर्भर है। क्यों ना हम कोयम्बतूर चलकर देखें? तुम भी क्या अपने बाप की तरह सोचती हो? अगर वो जिंदा है और उसने मुझे एक भी चिट्ठी नहीं लिखी तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसने किसी और से शादी कर ली है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी और कारण से आपको कॉन्टेक्ट ना किया हो। क्यों ना एक बार चलकर उन्हें देख लिया जाए। और अगर उनकी शादी हो भी गई होगी तो आपका बच्चा। थैंक्स। सब हम भी आपके साथ चले? कुछ नहीं, नेहा जी से मिलकर उनसे सॉरी कहने के लिए। तुम्हें कार चलाना आता है? हाँ, मुझे आती है ना। चलो फिर। मेरी लव स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर बिना सोए गाड़ी चलाना चाहती हो तो अपनी शादी की कहानी सुनाता हूँ। ओके। अन्नामलई पिक्चर जब रिलीज होगी और ये शादी जब पूरी हो जाएगी तो इतिहास में कभी कोई शादी को भूल ही नहीं पाएगा। वहाँ ये हंसी मजाक क्या चल रहा है? लड़की आएगी या नहीं आएगी? हाँ?
आ गई। हे क्या आ गई? बढ़िया है बढ़िया है। आइए आके साइन करिए। हमें थोड़ा जल्दी जाना है। और मंगलसूत्र? वो मंदिर में। ओह थैंक यू सर, हम लोग चलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेहा और विशाल यहां आए थे क्या? नेहा विशाल यहां आए थे क्या? तू कौन है ये बताऊंगा तो ही बताओगे? हाँ बिल्कुल। बता। तेरे इतने हिम्मत सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाता है? मेरे ही ऑफिस में आकर तूने मुझे ही चांटा मारा। ए इसको बाहर निकालो। बताता है या नहीं? बताएगा या नहीं? वो लोग अभी अभी मंदिर में गए हैं। दर्द हो रहा है? उसके बाद? फिर उसके बाद 1.5 साल तक किसी को बताए बिना ऊटी में रहे। वहां एक सुंदर सी बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची के होने के बाद मेरे घर वाले सब मान गए और फिर उसके बाद बच्ची के नामकरण के लिए हम लोग चेन्नई आए। किससे मिलना है? नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। यहाँ नेहा नाम की एक मराठी लड़की रहती है क्या? नेहा। हाँ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम राजा है। सॉरी सर, सॉरी सर। मेरा नाम है विशाल।
वो विक्की कह के बुलाती थी। आप सब यही रुकिए, हाँ। आप सबको एक जगह लेकर जाना है। ठीक है। ओके। पीने के लिए थोड़ा पानी। हो सकता है कपड़े बदलेंगे। नेहा 3 सालों तक उसी घर में रह रही थी। उसने आपको चिट्ठी लिखी है ये बात जानकर उसे दूसरे कमरे में कैद करके रखा था। बच्ची को खोने की वजह से डिप्रेस्ड हो गई थी। वो अपने आप से बातें करने लगी थी, याददाश्त भी कम होने लगी थी। उसे कमरे में ही रखा गया था। उसके शादी के दिन ही लोगों को उसके बारे में पता चला। लड़की का दिमाग ठीक नहीं है ये बोलकर उसकी शादी नहीं हो पाई। शादी के मंडप में नेहा ने जिस तरह से बिहेव किया वो मैं अब तक नहीं भूल पाई। सन 1998 में एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी फैमिली मारी गई। तब से वो यहीं पर है। नेहा, नेहा, मुझे मुझे पहचाना नेहा, नेहा। हमारी बच्ची कहाँ है? मेरी चिट्ठी नहीं मिली थी क्या? नहीं मिली नेहा। बॉम्बे, पुणे, क्या सब जगह पर ढूंढा था? उन्होंने उन्होंने पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या किया होगा। रोने रोने नेहा, मैं आ गया हूं ना। अच्छा, आखिरी बार हमारी बच्ची को तुमने कब देखा? बच्ची को कोयंबटूर में खिड़की से मुझे दिखाया था, फिर उसके बाद विकी, हमारी बच्ची वो जिंदा तो होगी ना? हाँ, जिंदा होगी नेहा, तुम घबराओ नहीं। ये लोग मेरा नाम राजा है। आपकी चिट्ठी सही टाइम पर आपके पति के पास नहीं पहुंची, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं कुछ नहीं नेहा, क्या आप भी? सॉरी सर। नहीं नहीं, फोन नहीं नेहा, मैं आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ ना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। तो ये कौन है? ये मेरी बेटी है रजनी। हेलो विक्की, विक्की हमारी बच्ची। सर टाइम हो गया है। सिस्टर, हम लोग इन्हें साथ में ले जा सकते हैं ना? ले जा सकते हैं सर, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें आप पूरा करके इन्हें आप अपने साथ ले जा सकते हैं सर। थैंक यू, तो उसका इंतजाम करवा दीजिए सिस्टर। ओके सर। हाँ। चलते हैं, लेके चलते हैं। आओ। हाँ? आओ भाभी, तुम्हें देखे कितने साल हो गए। हाँ? कैसी हो तुम भाभी? टाइम हो गया है बाबू, इनको बोल के चलते हैं। ठीक है, बोल दो। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरे सर, शुक्रिया की क्या बात है, तो हम लोग चलते हैं। अरे सब ठीक हो जाए, इतनी मदद की है, यही आज यहीं रुकिए, कल सुबह जाइएगा। आइए। एक्चुअली बाबू को अस्पताल लेकर जाना है, इसीलिए इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हम लोग फिर कभी आएंगे ना? ठीक है। अच्छा, चलता हूँ। थैंक यू सर। आपके बच्चे को ढूंढने के लिए जो भी मदद चाहिए बेझिझक मुझे बोल देना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हम चलते हैं। मिलने आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। अंदर आ। इब्राहिम तू यहीं रुक। क्या हुआ अम्मी? हमें यहाँ से फौरन जाना होगा। कहाँ? हम अपने गांव जा रहे हैं, पाकिस्तान जाना है। ओ, लेकिन क्यों? क्योंकि हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ हमारी हिफाजत नहीं होगी। ठीक है, मैं रवि को बता कर आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, अपने अब्बा के आने तक यहीं रुक। नहीं अम्मी, मैं बताने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना हमें जाना है इब्राहिम। मैं बता कर आता जा रहा है, इस तरफ चल, मेरी बात सुनता ही नहीं है कभी भी। सुनो, चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी आई? यहाँ रविशंकर नाम किसका है? मेरा है। ये लो, तुम्हारे लिए पाकिस्तान से चिट्ठी आई है। पाकिस्तान से? धन्यवाद भाई। हाँ, ठीक है, ठीक। प्यारे रवि, मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, जल्दबाजी में तुझे बता भी नहीं पाया। अब हम दोनों चिट्ठियों से ही बात कर सकते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम दोनों जरूर मिलेंगे। तेरा प्यारा दोस्त इब्राहिम। सर, क्या बात है? मेरा नाम है राजा, ये मेरी बेटी है रजनी। नमस्ते। रवि के नाम से एक चिट्ठी आई है सर। इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। सर, पता तो यही का है। बेटी, ये क्या, इसने दरवाजा बंद कर दिया? एड्रेस तो सही है ना? यही है बापू। तो फिर रुको, मैं पूछ कर देखती हूँ। क्यों, तेरे पूछने से अब... बापू नहीं, कुछ नहीं, पूछ के देख लो। बापू, उस बच्ची से पूछ कर देखे। हाँ, आ जाओ। हाय हाय, यहाँ रवि शंकर नाम का? वो मेरे दादाजी हैं। अच्छा, इस वक्त वो कहाँ है? कुछ देर वेट करिए ना, ये गेम खत्म होने पर बताती हूँ। बच्चे पहले भाग भाग कर खेल कूद करते थे, अब बैठकर गेम खेल रहे हैं। पापू, हाँ हाँ, खेलने दो ना। अरे आउट हो गई। हाँ बताइए, मेरे दादाजी से क्या काम है? वैसे कोई खास बात नहीं है, मेरा नाम है राजा। पापू, मेरी बेटी का नाम? बच्चे से भी इस तरह से? आदत हो गई है ना। कुछ नहीं बेटी, ये है इनलैंड लेटर। क्यों बापू? अरे रवि शंकर, हाँ, हाँ, ये मेरे दादाजी का नाम है। अभी अभी जिन्होंने झट से दरवाजा बंद किया था ना, वो मेरे छोटे दादाजी हैं, यानी मेरी दादी के छोटे भाई। उन्हें और घर के बहुत सारे लोगों को मेरे बड़े दादाजी पसंद ही नहीं आते हैं। बड़े दद्दू याने? वो मेरे दादाजी के पिताजी है ना। अच्छा, हमारी थोड़ी सी मदद करोगी? कैसी मदद? कुछ नहीं, ये जो लेटर है ना, तुम्हारे बड़े दद्दू को जाकर देना है। हाँ। तुम हमें वहाँ लेकर चलोगी? तो मैं ये दे देती हूँ ना। नहीं 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 नहीं, बात ये है कि क्या है? तुम ही बताओ। ये लेटर ले जाकर हमें ही उनको देना है। ठीक है, तो यही वेट करिए, मैं जाकर अपनी माँ को बुलाती हूँ। वो लेटर मुझे दे दो। बापू, बोल कर गई थी कि नींद आ रही है। माँ कहाँ है? माँ ने आपको ये नंबर देने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि यहाँ से फौरन चले जाओ। क्यों? थैंक यू। हेलो मैम, मेरा नाम रजनी है। श्वेता ने बताया था, कौन सा लेटर है? वो तो हमें पता नहीं है मैम, क्योंकि हम खोल नहीं सकते। किसने भेजा है? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा ही समझ लो, किसका लेटर है? मैम, इब्राहिम ने भेजा है। ओह, देन आई विल कॉल यू बैक। हेलो, बाबूजी, खाना खा लीजिए। हाँ बोलिए मैम। आप कल शाम 5:30 बजे आ सकती हैं? घर के पास पहुंचकर फोन कर दीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? आपको एक लेटर देना था ना।
कहा तो था। तो आ जाइए। ओह ठीक है, ओके। हाँ यहीं पर है, पर उन्होंने अंदर आने के लिए मना किया है। ठीक है, फोन करके पूछ लो। हाँ करके देखती हूँ। हाँ गाड़ी पकड़ो। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। मैम हम पहुंच गए हैं, आपके घर के पास ही हैं। एक सफेद रंग की गाड़ी गुजरेगी। हाँ। उसके जाते ही आप घर आ जाइए। ठीक है, ओके ओके आ जाइए। ओके थैंक्स, बाय बाय। क्या हुआ रजनी? यहाँ से एक सफेद गाड़ी गुजरेगी, उसके जाने के बाद हमें सफेद गाड़ी को फॉलो करना है। नहीं नहीं नहीं, उनके घर पर जाना है। ओह ये बात है, यही है ना? अब चले। हाँ हाँ चले बापू। आइए। नमस्ते। तू ही पढ़ के सुना। प्यारे रवि, मैं तुम्हें 1971 की लड़ाई के बाद खत नहीं लिख सका। बहुत चीजें बदल गईं। हमारे दो देशों के बीच संपर्क टूट गया। हम लोग लाहौर से रावलपिंडी चले गए। ये मेरा नया पता है। उम्मीद है तुम ठीक हो। तुम जानते हो हम बूढ़े हो रहे हैं, पर मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ, वो भी हम दोनों ये दुनिया छोड़कर चले जाए उससे पहले, या हमारे देशों के बीच दूसरी लड़ाई हो उससे पहले। तुम्हारा प्यारा इब्राहिम। ये लेटर। जी सर जी। कब आया था ये? सन 1995 में आया था। अभी कौन सा साल है इस समय? तू ही बता। बापू ये सन 2018 है। थोड़ा देर से पहुंचा ना। मैं क्या बताऊं अभी। इनका नाम है राजा, ये पोस्टमैन है। इन्होंने कहा कि ये 23 साल तक कोमा में थे, इसलिए आपका लेटर डिलीवर नहीं कर पाए। हाँ सर जी। तो उसकी उम्र 70 साल की होगी। बहुत सिगरेट पिया करता था, अब वो शायद ही जिंदा हो। कम से कम अब तो लेटर ला के दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। थोड़ा पानी लेके आओ। अच्छा तो हम चलते हैं। हो सकता है कि अभी भी इब्राहिम जिंदा हो। वैसे तो चांस बहुत कम है। चांस कम है लेकिन फिर भी चांस। हाँ, तो है ना, है ना? मेरे पास एक आइडिया है। हा? क्या हम दादाजी की एक वीडियो बना सकते हैं? वो मानेंगे या नहीं कह नहीं सकते। हमारे लिए एक बार उनसे पूछकर देखिए ना। प्लीज मैम, प्लीज पूछकर देखिए ना। दादाजी आप रेडी हैं? एक्शन। वतन के राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन के राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमी ये आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमी ये आसमां शहीद हो, वतन के राह में वतन के नौजवान शहीद हो। अच्छा है ना बाबू? अच्छा बेटी, एकदम सही है। तुरंत अपलोड कर देती हूँ। रजनी तैयार हो गई क्या? बस 10 मिनट और बापू, प्लीज। 10 मिनट और लगेंगे। हाँ।
சமூக வலைதளங்களில் pray for நேசமணி என்ற ஹேஷ்டேக் திடீரென वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो वतन की राह रजनी आ गई सॉरी रजनी हाँ बस आई बापू अरे इधर आओ ना इधर आओ अरे इधर आओ ना क्या हुआ देखो देखो यहाँ देखो ये जमीन ये आसमां शहीद हो मैंने कहा था ना चलो 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 चलते हैं चलो ना बापू अरे टीवी तो बंद कर दो पौधों में पानी डालना है चले बेटी ताला तो बंद करने दो हाँ बापू पाकिस्तान से फोन आया बापू अरे वाह उस देश का प्रधानमंत्री होगा शायद तुझे अवार्ड देने वाला होगा अभी चिट्ठियां डिलीवर करनी है हेलो हेलो रजनी यस दिस इज सुलेमान फ्रॉम रावलपिंडी इब्राहिम इज माय ग्रेट ग्रैंडफादर आई जस्ट सॉ योर वीडियो इन न्यूज ओ एंड इब्राहिम या ही इज माय ग्रेट ग्रैंडफादर नो 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 आई मीन इज ही इज वेरी मच अलाइव एंड एक्टिव ओके सुपर्ब थैंक गॉड सो वी आर प्लानिंग टू कम इन इंडिया एंड मीट रविशंकर जी एंड सरप्राइज टू हिम Please don't tell anyone. Let it be a surprise. Okay, okay. Sure. Thank you so much for this. Okay. That feels like a dream. Bye. क्या हुआ बापू? देखा बापू टेक्नोलॉजी की खासियत? इब्राहिम को ढूंढ निकाला. बापू, how is it? Super. आइए नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम नमस्ते अस्सलाम वालेकुम नमस्ते बोलो अस्सलाम वालेकुम देखा कितने फेमस हो गए अचानक फैंस बनने के बारे में सुना है मतलब अभी तक किसी को ये भी पता नहीं होगा कि ये कौन है और जैसे ही इनके बारे में पता चला तो सारे के सारे फैन हो गए मैं कुछ समझा नहीं हमारी फैमिली भी ठीक वैसी ही है अचानक एक दिन जब दादाजी को टीवी पर दिखाया प्राइम मिनिस्टर से लेकर चाय की दुकान वाला भी ऐसा कोई नहीं जो इनके बारे में बात नहीं कर रहा हो ओहो तो इसका ये मतलब है ठीक है चलो चलते हैं सर जी आपने इब्राहिम को आखिरी बार कब देखा था करीब 70 साल पहले अगर आप उन्हें अब देखेंगे तो पहचान पाएंगे ना थोड़ी मुश्किल होगी ये आपके फ्रेंड इब्राहिम हैं आपको यकीन होगा इब्राहिम रविशंकर वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो पुकारती है ये जमीन ये आसमां शहीद हो आखिरी चिट्ठी है कर्तव्य पूरा होने वाला है ऑल द बेस्ट तेरी वजह से ये एड्रेस सही है ना हाँ बापू मैं देख कर ही आई हूँ ठीक है वहाँ देख यहाँ शक्तिवेल लिखा है और वहाँ राजवेल लिखा है
बापू वेल वेल मैच हो रहा है ना, उसे पूछ कर देखते हैं ना। किससे मिलना है? वेलू से। तुम कौन हो? मेरा नाम है राजा। और प्लीज बापू, प्लीज बेटी, आखिरी चिट्ठी है, बस एक बार। सॉरी सर, मेरा नाम है राजा, ये मेरी बेटी रजनी है। मैं एक पोस्टमैन, उनके नाम से एक लेटर आया है। लेटर? लेटर? मालिक, मालिक। अरे क्या हुआ? लेटर आया है। उन्हें जल्दी अंदर भेज। ठीक है मालिक। नमस्ते है, आइए आइए। हेलो, बैठिए। हाँ बैठो बैठो। ए भगवान, पता ए छाछ लेकर आना। वो शक्ति वेल? मेरा नाम है राजवेल, नाम तो सुना ही होगा। वैसे मेरा नाम भी राजा है, ये मेरी बेटी है रजनी। हाय। रजनी है? हेलो शक्ति, शक्ति वेल। ऐसे भी क्या चलती है, पहले छाछ पियो ना। ये लो, छाछ अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छा है। लेटर? शक्तिवेल, शक्तिवेल मेरे भैया हैं, लाओ मुझे दो। यानी शक्तिवेल यहाँ नहीं है? नहीं है। नहीं, वो शक्तिवेल से, वो मर गया। लेटर देके निकलो। लेटर दे दो बापू। ये लीजिए। एक और ग्लास पियोगे? नहीं नहीं, बस बस। तो ठीक है, जिस काम के लिए आए थे वो हो गया ना, अब निकलो। हाँ। दरअसल बात ये है कि ये कहना चाह रही है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तुझे क्या हो गया? शक्तिवेल को ही लेटर देना है तो मैंने सोचा तू एक शरीफ आदमी है, अब पूछ रहा है लेटर में क्या लिखा है, शर्म नहीं आती? छी, ये क्या अपने बाप को ऐसे पाला है? मिस्टर राजा वेल। बेटी रजनी। बापू, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, आप भी तो अपने भाई की चिट्ठी खोलकर पढ़ने जा रहे हैं। हम भाइयों के बीच में बहुत कुछ चलता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाशें जाएंगी यहाँ से। बहुत गुस्से में है, इससे अनजाने में गलती हो गई। चलो बेटी चलते। बापू। चलो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, चलो चलो उठो बेटी, चलो। अरे चलो, समझता क्या है अपने आप को? चलो चलो। बैठो बापू। ए बल्ब, आजा। अभी आया। किससे मिलना है? कौन है बेटी? पता नहीं बापू, एक मिनट। सुबह राजवेल के घर अंदर चलकर बात कर सकते हैं? हाँ आइए ना, आइए। मेरा नाम है मरकदम, राजवेल की पत्नी हूँ। ओह अच्छा। शक्तिवेल जिंदा है। ये आप क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ, वो मेरे पति के बड़े भाई हैं और वो अभी भी जिंदा हैं। मेरा पति पैसों का बहुत बड़ा लालची है, एक तरह से पैसों के लिए पागल है। पैसों की खातिर ही उसने मुझसे शादी की। ठीक है मैं शुरू से बताती हूँ। पलेने अपन बहुत अच्छे आदमी थे, उनके चार बेटे थे, शक्तिवेल, कनकवेल, मुत्तुवेल और उसके बाद आखिर में राजवेल। राजवेल जब 18 साल का हुआ तो पलनी अपम गुजर गए। कनकवेल और मुत्तुवेल आधी जायदाद हड़प कर विदेश में जाकर सेटल हो गए, लेकिन शक्तिवेल बहुत अच्छा इंसान है, उन्होंने जायदाद के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। राजवेल जब बड़ा हुआ तो उसने पुश्तैनी घर को हड़प कर शक्तिवेल को बाहर निकाल दिया। ओ, अब शक्तिवेल कहाँ है? तिरुपति जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा गांव है, वहीं परिवार के साथ रह रहा है। ठीक है, पर इस सब से उस लेटर का क्या संबंध है? चिदंबरम से पलनी अपन ने मरने से पहले एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में चारों बच्चों को चिट्ठी लिखी थी। वो कैसा रहस्य था? उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन किसी खजाने की बात कर रहे थे। उन्होंने चारों बच्चों को अलग अलग चिट्ठियाँ लिखी थी, लेकिन हर बेटा अलग अलग गाँव में था। शक्तिवेल भी हम जहाँ रह रहे हैं वही रह रहा था। चिट्ठी पढ़कर तीनों भाई चिदंबरम गए
लेकिन पहुंचने से पहले ही पलनी अपन गुजर गए। शक्तिवेल को चिट्ठी मिली ही नहीं। पिताजी के गुजरने के बाद सुनकर ही वो आया। पलनी अपन ने 23 साल पहले शक्तिवेल के लिए जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी आप लेकर आए थे। अच्छा, इतने सालों के बाद वो चिट्ठी क्यों ला कर दी? दरअसल बापू का एक्सीडेंट हो गया था और 23 साल तक ही कोमा में रहे। खैर छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। अच्छा, वो तीनों के तीनों लेटर किसके पास है? उनमें क्या लिखा था? क्या लिखा है चिट्ठी में? क्या लिखा है तीनों समझ ही नहीं पाए, और चौथी चिट्ठी उन्हें मिली ही नहीं, इसलिए इसे कचरा समझकर फेंक दिया। हमारे घर में एक पुराना लॉकर है, इतने सालों तक वो उसे खोल नहीं पाए। तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पलनी अपन ने उसे ऐसे सेट किया कि कोई खोल ही ना पाए। उस लॉकर का ही कोड है ये चार चिट्ठियाँ। शक्तिवेल का लेटर कहाँ है? आखिरी बार जब मैंने देखा तो मेरे पति की शर्ट में थी। ठीक है, अब मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकती। अगर कुछ पता चले तो मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बताइए। 917। हाँ आगे। 1188। ओके, जो भी बात हो कॉल कर दीजिएगा। और ये लेटर? नहीं नहीं नहीं, यही रहने दो बापू। हेलो, मैं मरगदा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सॉरी, सुबह सुबह मैंने फोन किया। कोई बात नहीं, बोलिए। वो चौथी चिट्ठी मेरे पास ही है, उसमें क्या लिखा है मैं बताती हूँ, तुम नोट करोगी? हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ बोलिए। पनीर रंबी पैदल कुल पनीर तुने रंबी वलर है। मैं कुछ समझी नहीं, इसका मतलब क्या है? शक्तिवेल से ही पूछना होगा। तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए। मैं तुम्हें शक्तिवेल का एड्रेस मैसेज करती हूँ, तुम उससे मिलकर ये सब बता सकती हो ना? हाँ बता सकती हूँ। ठीक है, तो हम निकलते हैं। जरा जल्दी पहुँचना। मेरे पति 4-5 गुंडों को लेकर शक्तिवेल को ढूंढने निकल चुके हैं। तुम पहले पहुंचकर अगर शक्तिवेल को बता दोगी तो वो होशियार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फौरन निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बापू जल्दी से तैयार हो जाओ, कैब बुक कर रही हूँ, हमें निकलना है। क्या कहा? सुबह सुबह 4 बजे कहाँ निकलना है? 10 बजे निकलते हैं ना? 23 साल पहले अगर तुमने ठीक से निकलते हैं। आलस अभी तक नहीं गया है। बेटी लेटर देते ही हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है। बैठिए। आओ बेटा। हाँ। चटाई पर बैठे बहुत दिन हो गए हैं। बैठिए ना। इनके पिताजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में ये अक्सर मुझसे बात करते रहते हैं। वो लेटर है क्या? वो लेटर तो नहीं है, लेकिन बापू वो जो 3 लेटर्स हैं वो दे दो। ये 3 लेटर्स हमें मरकदा जी ने दिए थे, और इनका जो लेटर आया था उसमें ये लिखा हुआ था। अरे आओ बड़े भैया, मैं तुझे गांव गांव में ढूंढता रहा और तू मुझे ढूंढते हुए पुलिस वालों और मीडिया को भी साथ ले आया। ए पोस्टमैन। सर। ये सब तेरा ही किया कराया है ना? आओ राघवन, क्या हुआ? इंस्टिंक्ट है? 5 डिजिट में चाहिए या 6 डिजिट में? ये क्या राघवन, मुझे मार रहा है? अरे डिजिट पूछ रहा है? मेरे यहां से जाने तक मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अगर कुछ बोला तो थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगा, समझ गया? शक्तिवेल चल वो लेटर दे। पनिये रंबी पैरल कुल माले तुनिये रंबी
तुम्बम वलर वरुम, इसका मतलब क्या है पता है? शाम के वक्त जो हमेशा सुकून मिलता है वो इस समय दुख और पछतावा दे रहा है, इसका यही मतलब है। दोहा 1230। सॉरी इंस्पेक्टर, खजाने के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है, यही है पिताजी की वसीयत। अरे इसकी शुरुआत तुमने की थी ना, एक काम करो जोर से पढ़कर तुम ही सबको सुनाओ। ये लो। मैं पढ़ो ना। सुपर्णी अपन यानी मैं ये वसीयत पूरे होशो आवाज में लिख रहा हूँ। मेरे चार बेटे हैं, मेरे बड़े बेटे शक्तिवेल के अलावा बाकी तीनों पैसों के लालची है, इसीलिए मैं अपने बेटों के नाम पर कोई जायदाद नहीं रखना चाहता हूँ। मेरी 40 एकड़ नारियल की खेती है, 60 एकड़ केलों के बगान है, 9 मकान और कोड़े कनाल में चाय के बगान है। 9 मकानों में से एक एक बेटे के नाम पर एक एक मकान के हिसाब से 4 मकानों के अलावा सब कुछ पलनी अंदवर ईश्वर के नाम पर दान में दे रहा हूँ। बाकी जो जमीन जायदाद है वो गरीबों के बीच में एक समान रूप से बांटने की मैं विनती करता हूँ। जो जैसा बोएगा वो हमेशा वैसा ही काटेगा। चले बापू। हाँ। ए, जेल में 5 डिजिट या 6 डिजिट गिनेगा? चल तुझे गिनवाता हूँ। बापू क्या सोच रहे हो? सारी चिट्ठियां डिलीवर कर दी, अब कल से क्या करेंगे, यही ना? हाँ, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ बेटी। सारी चिट्ठियां बांट दी है ना, अब कल से कोई टेंशन नहीं है, पूरा दिन सोऊंगा। ठीक है। अच्छा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? बेटी मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक सोडा मंगा दो ना। जो ना हो वही मांगोगे, कल ला कर दूंगी। मेरा एक काम और बाकी है बेटी। कौन सा काम बापू? वो तुम्हारे माता पिता है ना? हाँ। उन्हें मेरे माता पिता यहीं पे होगा। मिल गया। ए, ये वाला फोटो अच्छा है। ये दुर्गा के घर में खींचा था, और जो दूसरा है वो अच्छा है। सुनिए गाड़ी की आवाज आ रही है, देखिए तो कौन है। हाँ ठीक है, जाके देखता हूँ। संभल कर। हाँ, अपना पोस्टमैन राजा और उसकी बेटी रजनी वो आए हैं, बुलाइए ना ऊपर। सर यहाँ ऊपर आ जाओ, इस तरफ से, इधर इधर। हाँ हाँ हाँ, इधर से। हाँ ठीक है। नमस्ते 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 नमस्ते। आओ रजनी, आइए आइए। हेलो सर, आप बैठिए ना प्लीज, आओ तुम भी बैठो। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, मिलकर बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। ओ क्यों, क्या बात है, बोलिए ना। क्या बात है,
नेशनल मीडिया पे तुमने जो वीडियो अपलोड किया है वो बहुत वायरल हुआ है। ओ अच्छा, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे ना? हाँ बिल्कुल। तुम दोनों ने मिलके जो किया वो बहुत बड़ी बात है। सर, हमने हमारा फर्ज निभाया, लेकिन थोड़ी देर हो गई। नहीं राजा, तुम नहीं समझोगे। पुरानी चिट्ठियां हैं मानकर तुम कचरे में भी डाल सकते थे। हाँ? या दीमक लग सकती थी। लेकिन इतने सालों तक संभाल कर रखा और फिर लाकर के दिया, उसी की वजह से तो आज हम दोनों आपस में मिल पाए। इनफैक्ट सारी चिट्ठियों के बारे में मैंने उस वीडियो में देखा। एक की तुमने जान बचाई है, दो जोड़ों को तुम लोगों ने मिलवाया है, और क्या था? एक किलर को भी पकड़वाया, ये और एक बहुत टफ क्रिमिनल केस भी सॉल्व करवाया है। और इतना ही नहीं, ये बस कुछ ही दिनों में। ग्रेट। जैसा आप सोच रही हैं, इतना भी बड़ा काम नहीं किया है हमने। हमने तो वो लेटर्स डिलीवर करके बापू का फर्ज पूरा किया है। नहीं नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, इट्स अ ब्रिलियंट जॉब। नो डाउट। बाय द वे, क्या हुआ, क्या सोच रही है बताइए। दो बातें बतानी है। इनफैक्ट उसी के बारे में मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। फर्स्ट थिंग विशाल बताएगा। मैं बताऊं? तुम दोनों की ये जो कहानी है, ये जो सफर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके ऊपर कहानी लिखने का मेरा मन कर रहा है। ऑफ कोर्स, अगर तुम लोग परमिशन दो तो। हाँ, लेकिन एक शर्त है। बोलो ना। उस बुक का जो टाइटल होगा वो मेरे हिसाब से रखना होगा। ठीक है सर, मेरी दूसरी कंडीशन है। तुम्हारी भी है? ठीक है बताओ। जे आल्सन नाम का एक लेखक है, अनडिलीवर्ड लेटर्स के बारे में उसने किताब लिखी है। मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी है और उसने जो किताब लिखी है वो ज्यादातर एक दूसरे से मैच करती है, इसलिए अगर वो किताब आप पढ़कर लिखेंगे तो उसकी झलक इस पर नहीं पड़ेगी। बापू, तुमने ये सब किताबें कब पढ़ी? मैंने कहा पढ़ी, तूने एक हेडफोन लाके दिया था ना, जिस दिन से मैंने उसे कान पे लगाया उसमें दुनिया भर की कहानियां बदल बदल के आती रहती है। आजकल मैं रेडियो भी कहाँ सुनता हूँ। तो फिर ये कहानी मैं लिख सकता हूँ ना? सर, ये कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई, सच्चाई। वो दूसरी बात क्या है जो आप बताने वाली थी? दूसरी बात ये है कि रजनी मेरी बेटी जरूर कहीं होगी और वो जिंदा है, ऐसा मुझे लगता है। वो जरूर आज भी जिंदा ही होगी। हर साल उसके जन्म दिन पर उसके नाम से कोई न कोई गिफ्ट खरीदती रही हूँ कि जब कभी भी उससे मुलाकात होगी ये सारे गिफ्ट उसे दे दूंगी। इसलिए खजाने की तरह उन सबको संभाल के रखा है। So sweet, ma'am. आज अगर हमारी बेटी हमारे साथ होती तो उसका 24th बर्थडे हम बड़ी ही धूमधाम से मनाते रजनी। April 24th, 1993, उस दिन उसका जन्म हुआ। उसे जन्मे एक साल ही हुआ था कि उसे मुझसे अलग कर दिया गया। 24th April? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में भी 24th अप्रैल ही लिखा हुआ है, तो उस दिन शायद मेरा बर्थडे भी है। हाँ? ये क्या कह रही हो तुम? क्या ये सच है? हाँ मैडम, रजनी का जन्मदिन भी उसी दिन है। तो ये बात है। ओह लवली माय गर्ल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रजनी, गॉड ब्लेस यू। तुम सदा सुखी रहो और हंसती खेलती रहो। थैंक यू मैम। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा है, लेकिन विशाल तो बेचारा, ये आज तक उसका चेहरा सिर्फ फोटो में ही देखते आ रहे हैं। वो फोटो आपके पास है? ओह छे, देखो, उसी बारे में तो तुम्हें बताने वाली थी। उस फोटो में रजनी, मैं रजनी, एक मिनट, अब हम लोग चले। बस एक मिनट, एक छोटा सा काम है। सुनिए ना, बस एक मिनट। तुम लोगों ने दो दद्दुओं को आपस में मिलवाया ना? ठीक उसी तरह मुझे भी मेरी बच्ची से किसी भी तरह मिलवा दो, और ये तुम कर सकती हो, मैं जानती हूँ। एक काम करते हैं, हम बाद में कभी आते हैं ना सर, ये चलो बेटी। सुनिए ना, एक मिनट और, तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे अपनी बच्ची से मिलवा दो। हम आपकी बेटी सबको मिलवा देंगे। एक मिनट बेटी, चलो बस अभी आ जाएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। अभी आ जाएंगे, कुछ नहीं बेटी, तुम चलो तो सही। क्या हुआ विक्की? वो हमारी बेटी है। विक्की, वो हमारी बेटी है। हाँ, रजनी।
मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं रजनी को बुलाकर लाती हूँ। वो यही नीचे है ना। हाँ। इतने सालों तक वेट किया, बस 10 मिनट और वेट कर लो। कहाँ ले जा रहे हो? घूमो घूमो घूमो, झुको, खुल जा सिमसिम। वेलकम बैक रजनी, हैप्पी। पर मैं तो अपना बर्थडे कभी मनाती ही नहीं हूँ बापू। बर्थ सर्टिफिकेट में तो ऐसे ही 24 अप्रैल लिखा हुआ है। वो सही जन्म तारीख है। ये तुम कैसे बोल सकते हो? अरे हाँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये तो तुम्हारे माता पिता बताएंगे ना। हाँ? ये क्या समझ बोल में नहीं आया ना? ये लो, ये लो। पलट के देखो ना। बापू, ये तारीख तो दादी ने लिखी थी, 24 अप्रैल। दादी नहीं लिखी थी, जब तू 1 साल की थी तो खास करके स्कूल बुक में उसकी जिल्लत पर और आधार कार्ड में सब में यही तारीख तो लिखाई गई है। तो इस वजह से ये सही कैसे कहलाएगी? इसलिए तो मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाती। लेकिन अब से इसी तारीख को तुम्हें अपना जन्मदिन मनाना होगा। क्यों? क्यों क्या? किसने कहा? कौन कहेगा? मुझे जन्म देने वाली माँ या मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है क्या? वो तू उसमें ऐसे ऐसे करके देखती है ना, वो अपने फोन में, उसमें ऐसे ऐसे करके नहीं देखा? हा? क्या देखना है उसमें? जरा सा कुछ हो तो फट से डब्बा निकाल लेती। तो फिर? इधर देख, तेरे माँ बाप ही कहेंगे ना। हाँ। रजनी, अरे जरा नजर उठा के देखो ना। मुझे नहीं। क्यों राजा? रजनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बच्ची। ये तुम्हारे पापा हैं। मैंने तुझसे कहा था ना, मैं एक बार जो बोल देता हूँ 100 बार बोलने के बराबर है।
बेटी रजनी कॉफी तो बना के ला। वो तो चली गई ना। बाबू कॉफी। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? वो तो मैं यहाँ रहने आई हूँ। रहने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ से अपनी चीजें लेने के लिए आई हूँ। हर बात में सवाल करते हो तुम। बापू अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं चली जाऊंगी?